हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अर्चना का वेज किचन में। आज हम बनाएंगे नारियल और दूध के मोदक। इसके लिए हमने एक पूरा नारियल सूखा हुआ छोटे पीस में काट के मिक्सी जार में पीस लिए हैं और एक बॉल निकला है हमारा नारियल बुरादा। अब इसको हम भूनेंगे। इसके लिए हम जो है एक चम्मच देसी घी डाल के इसको हल्का सा भूनेंगे। ये देखिए, धीमी आँच पे ही भूनेंगे ताकि जले ना। ये हल्का सा भून लिए हैं और इसको हम प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखिए, और फिर हम देसी घी डाल के ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी भूनेंगे, काजू बादाम और जो है पिस्ता। इसके लिए हमने 4 चम्मच ये बादाम लिए हैं और ये छोटी कटोरी काजू है हमारे, इनको भी डाल देंगे। और ये आधी कटोरी हमारे पिस्ता, इनको हल्की आंच में ही रोस्ट करेंगे धीरे धीरे। ये देखिए, इससे स्वाद थोड़ा सा सौंधा अच्छा हो जाता है। इसको हम 1.5 से 2 मिनट तक रोस्ट करेंगे धीमी आंच पे। ये हमारे रोस्ट हो चुके हैं, इसको हम प्लेट में डाल लेंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि इसको मिक्सी जार में पीसना भी है दरदरा। और इसमें हम कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पे। ये 1 लीटर दूध हमारा है गाढ़ा पका हुआ, इसकी आँच हम मीडियम ही रखेंगे अभी। ये देखिए, इसको चलाते रहेंगे। इसी दूध से ही खोया बन के तैयार होगा और काफ़ी हेल्दी और टेस्टी हमारे मोदक बनेंगे। अब इसमें हम केसर डाल देंगे कलर लाने के लिए, कलर भी और इसका टेस्ट भी बढ़िया आता है। अब इसको हम चलाते रहेंगे जब तक कम ना हो जाए दूध, गाढ़ा हो जाएगा पकते पकते। देखिए, थोड़ा सा गाढ़ा हुआ है ये देखिए। तो अब इसमें हम 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। उस इलायची से खुशबू और स्वाद दोनों ही आएंगे। इसके बाद हम छोटे बॉल जो है चीनी डालेंगे और हम थोड़ा सा बचा ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादा मीठा हो जाएगा, वैसे 1 बॉल डालना है चीनी। ये देखिए, गाढ़ा हो चुका हमारा दूध। अब इसमें हम जो दरदरा पीसे थे ड्राई फ्रूट्स वो डाल देंगे, मिक्सी में पीस लिए थे। ये देखिए, अब ये हमारा नारियल बुरादा जो पीसा था ये भी मिक्सी जार में, इसको भी डाल देंगे और इसको मिलाएंगे अच्छे से। और तो गैस की फ्लेम जो है धीमी रहेगी, यहाँ पर इसको चलाएंगे धीरे धीरे इसमें सब, ताकि मिक्स हो जाए अच्छे से और काफ़ी टेस्टी बनेंगे मोदक। क्योंकि खोया और ड्राई फ्रूट्स नारियल सब हो गए, पूरा मिठाई का टेस्ट मिलेगा। ये देखिए, तैयार हो गया हमारा मोदक बनने लायक। अब इसको हम गैस से उतार के प्लेट में रख लेंगे, ठंडा होगा तभी बन पाएंगे बढ़िया। अभी थोड़ा सा गर्म है, ये हमको ऐसे फैला लेंगे अच्छे से ठंडा हो जाए। अब ये मोदक की स्टफिंग तैयार हो गई है खोया और नारियल की। अब इन मोदक मोल्ड को हम मोदक मोल्ड सांचा को हम अच्छे से देसी घी से ग्रीस करेंगे हाथों से। और इसके बाद हम ये केसर और ये बादाम चिपका देंगे ताकि देखने में काफ़ी अच्छे लगें। और इसके बाद हम ये स्टफिंग भरेंगे मोदक में। ये देखिए, स्टफिंग भरेंगे, इसको दबाएंगे अच्छे से और जो एक्स्ट्रा होगा उसको भी निकाल लेंगे बाहर ताकि इसका शेप बढ़िया आए। ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा मोदक बनके तैयार हुआ है, देखने में भी अच्छे। ये देखिए, अब हम इसी तरह से सारे मोदक को बना लेंगे स्टफिंग भर के। ये देखिए, इसी तरह से भर लेंगे, एक्स्ट्रा निकाल देंगे। इसी तरह सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे।
ऐसे भी स्टफिंग भर लेंगे दोनों तरह से जैसे मर्जी हो। ये देखिए ये हमारे खोया के हेल्दी और टेस्टी मोदक बनके तैयार हैं। ये देखिए कितने मुलायम, ये देखिए। आप बनाकर ज़रूर देखिए, घर में बच्चे बड़े सब पसंद करेंगे, बहुत ही चाव से खाएंगे। और पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए प्लीज़। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके बाय।